हेलो व्हाट्सएप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना प्रिंस और आप देख रहे हैं प्रिंस फिटनेस यूट्यूब वीडियो। और आज हम कवर करने वाले हैं कैफीन को। देख सकते हैं मेरे हाथ में कैफीन लगा हुआ है। तो कैफीन के क्या क्या साइड इफेक्ट हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं और कितनी मात्रा में कितने डोसेज में इसको लेना चाहिए। तो बात कर लेते हैं कैफीन के बेनिफिट्स के बारे में। अगर कैफीन के बेनिफिट्स के बारे में हम बात करेंगे तो आप सबसे पहला है कि अगर कैफीन लेते हैं, आप इंटेक करते हैं बॉडी के अंदर, तो आपको वेट लॉस देखने को मिलेगा। लेकिन वेट लॉस में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि आपको प्रॉपर डाइट वगैरह लेनी है, ठीक है। मतलब हेल्प करता है, ये नहीं कि प्रॉपर चल ही रहा है, हेल्प करता है। और आप फ्रेश डाइट लेते हैं, उल्टा सीधा खाते हैं आपके, तो बॉडी को वो एक्टिवेट भी करने में मदद करता है, फोकस करने में मदद करता है। और आपके सर दर्द वगैरह हो रहा है तो उसमें भी थोड़ा हेल्प करता है। और आपका जो ब्लड प्रेशर लो है उसको भी रेज करता है। आप बात कर लेते हैं कैफीन के साइड इफेक्ट के बारे में। कैफीन के साइड इफेक्ट में दो तीन चीज़ें हैं, जैसे कि अगर ज़्यादा मात्रा में से कंज्यूम करते हैं बॉडी के अंदर तो उसमें नींद नहीं आती आपको रातों में। और जो भी व्यक्ति आपका ब्लड प्रेशर हाई से थोड़ा प्रेरित है, प्रॉब्लम है उन लोगों को, तो उन लोगों के लिए भी इसमें दिक्कत होगी। तो वो ना लें तो वही बेस्ट है, क्योंकि सबके बॉडी टाइप्स अलग अलग हैं, ठीक है। और पेट में गैस वगैरह होने में भी इसमें समस्या हो सकती है। और बात कर लेते हैं इसके डोसेज के बारे में। अकॉर्डिंग टू FBI, इसमें 1 to 2 कप कॉफ़ी पर डे आप इजीली आपको टेक कर सकते हैं, ठीक है। और मतलब कि 300 mg पर डे आप इससे कंज्यूम कर सकते हैं। कैफीन जो है कि आपको बहुत सारे सोर्स हैं इसके, जैसे कि आपको प्री वर्कआउट में भी कैफी देखने को मिलता है, और आपको बहुत सारी एनर्जी ड्रिंक्स हैं उनमें भी आपको कैफीन देखने को मिलेगा। लेकिन एक लिमिट मात्रा में अगर कोई भी चीज़ लेंगे तो वही आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।